An agriculture accelerator fund. An agriculture accelerator fund will be set up to encourage agri startups. कृषि की रफ्तार बढ़ाने के लिए एक विशेष कोष स्थापित किया जाएगा जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर एग्री इनोवेशन को प्रोत्साहित करेगा ताकि हमारे युवा किसानों के सामने मौजूदा चुनौतियों का समाधान निकालने के लिए नए प्रोडक्ट बना सकें और साथ ही उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कॉटन में उत्पादनता बढ़ाने के लिए हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए विशेष प्रयास करेंगे। किसान, राज्य सरकार और इंडस्ट्री के बीच साझेदारी स्थापित की जाएगी जिसका मार्केट लिंकेज भी होगा। आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल फॉर हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर, बेहतर बीज, एट एन आउटले ऑफ 2,200 करोड़, बेहतर उपज खासतौर पर हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, मिलेट्स मोटे अनाज के लिए एक वैश्विक हब बनाने का प्रयास होगा। भारत चौथा ऐसा देश है, भारत मोटे अनाज को न्यूट्रिशन फूड सिक्योरिटी व्यापक बनाने के लिए अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यह न केवल माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि ये किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसे हम श्री अन्न कहते हैं। हम श्री अन्न जोवर, श्री अन्न रागी, श्री अन्न ज्वार, श्री अन्न बाजरा, श्री अन्न रागी बाजरा, श्री अन्न कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटनी, कुर्की, कोडो, सामा, ये तमाम श्री अन्न भारत उत्पादन करता है। इसके न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभ हैं, बल्कि हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि छोटे किसानों ने लोगों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए इन श्री अन्न के उत्पादन के जरिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो सराहनीय है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने ओए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।